का जो टॉपिक है कि हाउ टू डिफरेंशिएट ग्रीफ ऑफ इग्निशियन एसिड फास्ट, इग्निशिया वर्सेस फास्फोरिक एसिड में कैसे उसके हम ग्रीफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन है। किसी ने हमसे मुझसे पूछा है, आप लोग भी अगर चाहें तो आप किसी विशेष टॉपिक पे कोई डिस्कशन करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं कि कहाँ पे ये दोनों कॉमन है कि माइंड एंगर ग्रीप्ड विद साइलेंट इग्निशिया एसिड फॉस, माइंड फॉरगेटफुलनेस ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया एसिड फॉस, हेडेक विद इग्निशिया एसिड फॉस, ग्रीफ लव डिसअपॉइंटमेंट इग्निशिया एसिड फॉस, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया एंड एसिड फॉस, सैडनेस ग्रीफ एसिड फॉस, यहाँ पर ये कॉमन है। फिर हम लोग बात करते हैं कहाँ पे डिफरेंट है, कहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इग्निशिया के साथ एक चीज याद रखो आप, इमोशन में एक इमोशन और जोड़ दो, मतलब एक तो एक इमोशन आया, उस इमोशन की वजह से एक इमोशन और, ठीक है। यहां पे क्या है कि इनवाई है, थकान है, बोर्डम है, अब जीवन में रस नहीं बचा है, रीजन खत्म। यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे एक इमोशन है और उस इमोशन की वजह से दूसरा एक इमोशन डेवलप हो जाए। देखो कैसे, ग्रीफ अपने आप में एक इमोशन है, फियर भी एक इमोशन है, उस ग्रीफ और उसमें एक और मतलब दो चीज जुड़ गई, जैसे गुस्सा भय, जैसे हम बोलते हैं गुस्सा दुख भय खुशी, ये सब इमोशंस हैं या हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर से गवर्न होते हैं। उसमें एक चीज और ऐड हो, जैसे एंजाइटी हेल्थ अबाउट ग्रीफ इंक्लाइन टू, हेल्थ की एंजाइटी की वजह से ग्रीफ हो जाए इग्निशिया, डलनेस ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया, फियर ग्रीफ फ्रॉम ग्रीफ बिफोर। देखो लोग कुछ कहते हैं ना कि हमको अक्सर बीमारी की वजह से बड़े दुखी हो गए, इस बीमारी से दुखी हो गए, वहां पे आप इग्निशिया सोच सकते हैं, बीमारी से दुखी हो गए, बीमारी ना हो जाए इसलिए दुखी है, या किसी को कुछ हो ना जाए उसकी वजह से वो दुखी हो गए पहले से ही। तो यहाँ पे इनआईटीडीएम है एसिड फॉस में और स्टुपिफिकेशन है, यहाँ पे आपको माइंड में भी बहुत कम डिफरेंशिएटिंग है कि यहाँ पे जो है माइंड ग्रीप नाइट बड़े, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिएक्शन जो क्या दे रहा। अब इधर देखो इग्निशिया में, इग्निशिया में कह रहा है फ्राइट फियर एग्रीवेट ग्रीव एलिमेंट एग्रीवेट एक्यूट माइंड ग्रीव एलिमेंट फ्रॉम ग्रीव कैन नॉट, ये सब पढ़ा है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एक इमोशन है उस पर इमोशन और ग्रीव की वजह से डर, ये बड़ा अलग चीज है। फिर आते हैं हम लोग ग्रीव का ज्यादा इफेक्ट आपको किस मेडिसिन पे मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इग्निशिया में लिखा है माइंड ग्रीफ साइलेंट पेंट अप मेंसेस बिफोर, इग्निशिया माइंड ग्रीफ साइलेंट पेंट अप अनडेमोंस्ट्रेटिव इग्निशिया, मतलब वो रोती नहीं दिखाती नहीं है, साइंग विद इग्निशिया, हिस्टीरिया आफ्टर ग्रीफ आफ्टर, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक इमोशन तो ऑलरेडी हर्ट हुआ फिर एक इमोशन उसमें जुड़ गया, ये इग्निशिया है। माइंड ग्रीफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस विथ इग्निशिया, ग्रीफ वुंडेड फीलिंग इग्निशिया, ग्रीफ चिल्ड्रन इग्निशिया, माइंड ग्रीफ एंगर वेक्सेशन एग्रीवेट। अब देखो फिर वही इमोशन एक है उसमें एक इमोशन और आ गया है, आपको इमोशंस के ऊपर भी एक इमोशन और मिल जाए तो आप इग्निशिया सोचो। फिर अब आते हैं फिजिकल लेवल पे इनका ग्रीप किस तरह से इफेक्ट डालता है, आपके सामने है हेड, हेड में देखो इंटरनल ब्रेन ग्रीफ एग्रीवेट एसिड फॉस, कंजेशन हाइपरेमिया ग्रीफ फास्फोरिक एसिड, फॉलिंग आउट हेयर एलोपेसिया ग्रीफ, ग्रे हेयर सफेद बाल होना, सर दर्द होना, हीट होना एलोपेसिया होना ग्रीफ के बाद,
यहाँ पे आपको एसिड फास मिलेगी। ठीक, एक चीज ध्यान रखना। फिर वर्टेक्स में हेडेक, ऑक्सीपुट में हेडेक, बर्निंग, ये सब मैंने बता दिया। क्रस्ट बिटवीन पीस ग्रीफ आफ्टर, मतलब सरदर्द ग्रीफ के बाद अगर है, फिर आप फेस पे आ जाओ। फॉलिंग ऑफ हेयर विस्कर्स ग्रीफ आफ्टर फॉलिंग ऑफ हेयर बियर्ड। देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि एसिड फास्ट में नंबर एक बात, ग्रीफ के बाद हेयर फॉलिंग हो सकती है। इस पॉइंट को एक पॉइंट याद। फिर थ्रोट में चोकिंग कंस्ट्रिक्शन ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया, कन्वल्सन स्पाजन ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया, लंप सेंसेशन जिसको हम लोग ग्लोबस स्टिचकस भी बोलते हैं इग्निशिया, स्वॉलिंग डिफिकल्ट ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया। स्टमक में आ जाओ, एंगर वेक्सेशन एग्रेवेट ग्रीफ साइलेंट स्टमक। यहाँ पे एपेटाइट वांटिंग में एसिड फॉल्स है। एक पॉइंट हेयर फॉलिंग प्लस एपेटाइट वांटिंग, एम्प्टी स्टमक वीक फीलिंग ग्रीफ ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया, इंडाइजेशन ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया, पेन क्रैम्पिंग ग्रिपिंग बेबीज नर्सरिंग विद ग्रीफ। यहाँ पे कन्वल्सिव होंगे क्योंकि लोगनेसी फैमिली की है और नक्स वोमिका की खानदान की है, तो यहाँ पे नर्व बहुत इफेक्ट करेगा। रेक्टम डायरिया ग्रीफ आफ्टर दोनों कॉमन मेडिसिन है। पेस्टी पेपरसेंट ग्रीफ आफ्टर स्टूल अगर होगा तो इग्निशिया है। पैरालिसिस ग्रीफ आफ्टर यहाँ पे नर्व का काम आ रहा है। यूरिनेशन फ्रिक्वेंट ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया, सप्रेशन ऑफ यूरिन एन्यूरिया ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया। अब देखो फीमेल के जितने भी सिम्टम है वहाँ पे आप फीमेल के सिम्टम देखो, इग्निशिया 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 इग्निशिया, मेंसेस रिटर्न रिफ्यूज अर्ली सप्रेस्ड सब ग्रीफ। स्पीच इग्निशिया, अस्थमेटिक इग्निशिया, चेस्ट कैंसर इग्निशिया, ग्रीफ इग्निशिया। हार्ट में देखो कंस्ट्रिक्शन इग्निशिया, पेन हो रहा है, सोर ब्रूइट फीलिंग हो रही इग्निशिया। अब देखो यहाँ पे एनीमिया एसिड फॉस, स्लीपलेसनेस इग्निशिया ग्रीफ, चिल इग्निशिया, परस्पायरेशन इग्निशिया, जॉइंटिस एसिड फॉस। फिर देखना कोरिया इज ए नर्वस डिसऑर्डर इग्निशिया, कन्वल्जन नर्वस डिसऑर्डर इग्निशिया, कन्वल्जन स्पॉन इग्निशिया इग्निशिया, इमेसिएशन इग्निशिया एसिड फॉस, इमेसिएशन एसिड फॉस, फैटनेस इग्निशिया, फैटनेस ओबेसिटी ग्रीफ आफ्टर इग्निशिया। यहाँ पे दुबला मोटा में फर्क आज समझ में आ गया होगा, इग्निशिया मोटा हो रहा है वो दुबला हो रहा है। पैरालिसिस ग्रीफ इग्निशिया, विग्नर भी आफ्टर इग्निशिया फैसिलिटी कॉमन है। अब हम इसको सम अप करते हैं कि फिजिकली एसिड फास्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। और देखो एसिड फॉस और इग्निशिया, इग्निशिया क्या कर रहा है, एसिड फॉस क्या कर रहा है, यहां पे जितना भी है वो नर्व पे। एक सिम्टम अगर आप हटा दो वो है कैंसर वाला, तो आपको सारा कुछ नर्व पे फेंटिंग कन्वल्सन ये सब दिखाई पड़ेगा। और जितने भी फंक्शनल डिस्टरबेंस है लाइक मेंसेस डिस्टर्ब हो जाना, ये सारा कुछ कन्वल्सन आना, पैरालिसिस हो जाना, नर्व के पे बिठा रहा है। ठीक, एसिड फास्ट क्या कर रहा है, हेयर का लॉस। जैसे में हेयर लॉस होने का मतलब है रूट का डिस्ट्रक्शन, हेयर ग्रे हो गया यानी प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन, इमेसेशन हो गया
यानी प्रोटीन अगेन दही। हेयर लॉस में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे एनीमिया हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे और है जॉइंटिस। बाकी आपको जितने भी सिम्टम हैं, एनीमिया मैंने बताया, एपेटाइट वांटिंग में इग्निशिया और फास्फोरस एसिड दोनों हैं। यहाँ पे आप जितने भी सिम्टम देख रहे हो, जैसे फॉलिंग है, जहाँ से चीज़ खत्म हो जा रही है, वहाँ से खत्म हो जा रही है, तो यहाँ पे जो अल्टीमेट रिएक्शन है वो इनाई बोर्डम ग्रीफ, मतलब वो बोर्डम है। और अब जो है कुछ इनाई टीडियम, एक वर्ड बोलते हैं इनाई बोर्डम, मतलब कि अब यानी बोर्ड बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद हो रहा, ग्रेइंग होना, वो सारा कुछ एसिड फास कॉल कर रहा है। तो अगर एसिड फास के अगर हम फिजिकल सिम्टम देखें, वो ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव हैं और इग्निशिया के ज़्यादा सिम्टम नर्व पे हैं। एक कैंसर के सिम्टम को अगर हम छोड़ देते हैं तो सारे सिम्टम नर्व पे हैं। तो यहाँ पे हेयर लॉस, ग्रेइंग ऑफ हेयर, इमेशन और एनीमिया, और एनीमिया उसी के साथ जॉइंटिस, कई बार एनीमिया और जॉइंटिस का एक संबंध होता है, वो भी जब डिस्ट्रक्टिव या जहाँ पे आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक कर रही हो, तो दोनों एनीमिया हो सकते, एनीमिया का संबंध हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि इग्निशिया नर्व पे, चाहे वो मेंसेस से संबंधित हो, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल जहाँ पे डिफिशेंसी हो, यहाँ पे नर्वस पैथोलॉजी जहाँ पे आ रही, फेंट होना, ये सब कुछ, इवन रेस्पायरेशन की भी दिक्कत हो रही, तो नीचे आ रही है। तो इनके फिजिकल लेवल पे सिम्टम अलग दिखाई पड़ेंगे। एसिड फॉस फॉस्फोरिस और एसिड, ये दो कंपोनेंट हैं। फॉस्फोरस किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे टिश्यू लेवल पे, आपने सब पढ़ा है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि हेयर लॉस, ग्रेइंग, इमेशन, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ग्रीप के बाद ओबेसिटी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि नंबर ऑफ फिजिकल सिम्टम इग्निशिया के ज़्यादा हैं, चाहे वो स्लीप को लेके हो, चाहे चिल को लेके हो, चाहे परस्पायरेशन को लेके हो, चाहे हार्ट के सिम्टम हो, चाहे वो स्पीच और वॉइस के सिम्टम हो, रेस्पायरेशन के सिम्टम हो, फीमेल का तो एक सिम्टम वहाँ पे नहीं है, ब्लैडर के सिम्टम हो, किडनी के सिम्टम हो, है स्टूल का सिम्टम हो, आपका स्टमक के सिम्टम हो, एब्डोमेन के सिम्टम हो, ठीक है, थ्रोट के सिम्टम हो, इन सब में आपको इग्निशिया की मोनोपोली है। जब हेड की बात करते हैं तो हमको मिलता है एसिड फॉस। तो हमारे पास एसिड फॉस के लिए क्या है, हेड है एक चीज, फेस में वही है विस्कस का गिरना दूसरी चीज मान लो आप। बाकी देखो आप किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा इसको नहीं पा रहे हो एसिड फॉस को, एक ब्लड में आ गया, एनीमिया हो गया, ग्रीफ आप, या जनरलिटीज में बेचारी एक जगह पे पड़ी है, इमेशन, ग्रीफ आफ्टर, वीकनेस, मतलब दोनों में कॉमन। लेकिन अगर अलग बात करें तो इमेशन, तो इसका मतलब है कि एसिड फॉस जब भी ग्रीफ में जाएगा वो बहुत कम माइंड सिम्टम देगा, बहुत ज़्यादा माइंड सिम्टम नहीं देगा, बहुत कम फिजिकल सिम्टम भी देगा, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस, इमेशन, एनीमिया या जॉइंटिस, इतने। और आपको बाकी सारी जगह पे मैं बार बार इसको दिखा सकता हूँ, कोरिया, कन्वल्सन, स्लीपलेसनेस, चिल, परस्पायरेशन, हार्ट पेन होना, टाइटनेस लगना, ये सब इग्निशिया में, चेस्ट में सिम्टम आना। इग्निशिया फिजिकली भी उन सिम्टम में, जैसे मेंसेस में तो एक जगह पर भी आपको एसिड फॉस नहीं मिलेगा, आपको मेंसेस रिलेटेड या फीमेल कंप्लेंट दिखें। अब इसको फिर मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि एसिड फॉस मोर इंडिकेटेड इन मेल, इग्निशिया इज मोर इंडिकेटेड फीमेल, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है, इसको रूल तरह मत बनाइए, लेकिन यह हो सकता है। तो अगर इससे भी अगर कुछ और समझना हो तो हम लोग आगे फिर इस पर लेक्चर बनाएंगे, अभी मेरे हिसाब से इतना बहुत।